कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर तंज कसा है। उनसे जब बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हमले से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय तो खुद अपनी कार में पत्थर लेकर चलते हैं और हमला करवा लेते हैं। आपको सुनाते हैं क्या कहा सज्जन सिंह वर्मा ने। अभी पता चल जाएगा बंगाल विधानसभा के चुनाव में जितने फड़फड़ा रहे हैं ना इनके, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय खुद ही कार में पत्थर रख के ले जाते हैं, खुद ही पत्थर फिंकवा लेते हैं, जेड सिक्योरिटी ले लेते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी ले लेते हैं और जनता के सामने अपना आभामंडल बनाते हैं कि देखिए ममता सरकार हमें घुसने नहीं दे रही है, हमें राजनीति करने नहीं दे रही है। ये सारी बातें जनता समझ चुकी है। इतना ही नहीं, बीजेपी को लेकर फिर उन्होंने विवादित बयान देते हुए औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। मशीनों के बल पे चिल्ला रहे अमित शाह भी हो गए हैं कि अब की बार 200 पार मशीन तुम्हारे पिताजी में दम हो भाजपाइयों तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लेना, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी बंगाल। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं जब सज्जन सिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय को लेकर तंज कसा हो। इससे पहले भी उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय पर विवादित बयान दिया था, साथ ही ईवीएम को लेकर भी वो कई बार सवाल उठा चुके हैं। अपने विवादित बयानों की वजह से सज्जन सिंह वर्मा चर्चाओं में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।